स्टूडेंट्स, आज बीसीए थर्ड सेम में भूमि सी प्लस प्लस में जो आज का टॉपिक है वो है आपका फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग मतलब क्या हुआ, कितनी की फाइल्स है, ओपन करना है, क्लोज करना है, तो वो हम किन हेडर फाइल्स के थ्रू अपनी फाइल्स को ओपन क्लोज कर सकते हैं, वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। फाइल हैंडलिंग का पहले होता क्या है, फाइल हैंडलिंग होती क्या है, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। फाइल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा विच ऑक्यूपाइड सेम स्पेस इन डिस्क, जो स्पेस रखती है फाइल में डिस्क में अपने स्टोरेज में। ठीक है, सी प्लस प्लस फाइल हैंडलिंग प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू स्टोर आउटपुट, ठीक है, ऑफ अ प्रोग्राम इन अ फाइल। ये क्या करती है, हमारे आउटपुट स्टोर करके रखती है, ठीक है, किसके, प्रोग्राम के आउटपुट को स्टोर करके रखती है और रीड करती है हमारे आउटपुट को, किससे, फ्रॉम फाइल, फाइल से डिस्प्ले ऑन डिस्क, जो हमारी डिस्क पे डिस्प्ले हो रही है उस फाइल से क्या करेगी, उस डेटा को रीड करेगी, राइट करेगी और स्टोर कर देगी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम फाइल हैंडलिंग। फाइल जो हैंडलिंग है वो तीन क्लासेस से डील की जा सकती है। पहला होता है एफएसटी, दूसरा होता है एफएसटी और थर्ड होता है ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, सबसे पहले इन स्ट्रीम्स का यूज क्या होता है वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, यूजर्स के अंदर। ठीक है, तो इफ स्ट्रीम क्या होती है, टू डील द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइल, किसी भी फाइल से इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए हम लगाते हैं इफ स्ट्रीम। ठीक है, कौन सी स्ट्रीम लगाएंगे, इफ स्ट्रीम, क्योंकि फाइल है, अभी तक हम कौन सी लगा रहे थे स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम डॉट एच, क्यों, क्योंकि हम इनपुट आउटपुट को रीड करना चाहते थे, अब हमें क्या लगाना है, इफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम क्यों, क्योंकि हम इनपुट को फाइल के अंदर से रीड करना चाहते हैं। तो क्या लगाएंगे हम, इफ स्ट्रीम, टू रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइल। ये क्या करेगा, रीड करेगा हमारी इंफॉर्मेशन को फाइल के अंदर से। फिर आती है हमारी ऑफ स्ट्रीम, कौन सी आती है, ऑफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम क्या करेगी, राइट करेगी फाइल के अंदर से। ठीक है, कुछ भी हमें राइट करना है अपनी फाइल के अंदर, फाइल के प्रोग्राम के अंदर, तो इस स्ट्रीम के थ्रू हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम, और हम क्या कर सकते हैं, ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं किसी भी डेटा को रीड करने के लिए। ठीक है, फिर है हमारा एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम क्या होती है, टू परफॉर्म बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन। अगर हमें किसी फाइल के रीड एंड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो हम कौन सी स्ट्रीम यूज करेंगे, एफ स्ट्रीम। ठीक है, और हम इस एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं रीड और राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए, क्योंकि कॉलिंग तो करानी पड़ेगी ना प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एक छोटा सा डायग्राम है, ये स्ट्रीम बनी हुई है, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, सी इन और सी आउट क्या करते हैं, सी इन फॉर इनपुट और सी आउट फॉर आउटपुट। ठीक है, आउटपुट को रीड करा देते हैं, इसमें ही हमारे रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो ये हमारी फाइल हैंडलिंग थी, इसमें पर्टिकुलर फाइल हैंडलिंग थी, चाहे एफ स्ट्रीम हो, ई स्ट्रीम हो, ऑफ स्ट्रीम, इनके पर्टिकुलर प्रोग्राम हैं जो हम इस आगे वाली वीडियो में